हेलो दोस्तों, आज हम एक केस के माध्यम से एक मेडिसिन को समझते हैं। तो ये केस एक 45 वर्षीय फीमेल पेशेंट का है, जो कि 10 दिनों से अपने चेस्ट पेन से परेशान थी। चेस्ट में पेन हो रहा था, खांसी आ रही थी काफ़ी, और सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, और गले में पेन हो रहा था, थ्रोट पेन हो रहा था, और फीवर भी उसको आ रहा था। तो वो किसी एक एलोपैथी डॉक्टर को दिखाई, फिजिशियन को दिखाई, और उसने कुछ दिन दवा खाई। उसके बाद फिर उसको उस दवा से परेशानी होने लगी, तो वो फिर मेरे पास आई। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मैंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर की दवा ने तो तकलीफ और भी बढ़ा दी है, इसलिए वो दवा अब हमको नहीं लेनी है। सांस की परेशानी इतनी बढ़ गई कि लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। तो इतना सा केस था, इतना से वो आके हमको बताई। तो हमने इतने में एक रूब्रिक्स लिया, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। ये रूब्रिक्स हमने इसलिए लिया कि उसने बताया कि डॉक्टर की जो दवा थी, एलोपैथिक दवा, उसकी वजह से हमको ये परेशानी हमारी और बढ़ गई, ठीक नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, और इसलिए अब वो दवा नहीं लेनी है और रिफ्यूजेज टू टेक द मेडिसिन। तो ये दो रूब्रिक्स, और इसमें एक रूब्रिक्स है और कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, मतलब इसलिए नहीं लेनी क्योंकि उनकी दवा से ये परेशानी हमको बढ़ गई है और लगता है कि अब ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि लगता है कि अब ठीक नहीं होगा, तो इसमें यह है कि डिस्पियर ऑफ रिकवरी। तो ये चार रूब्रिक्स में हमने देखा तो दो मेडिसिन आ रही है, लेक्सिस और हायोसाइमस। तो अब सिंगल मेडिसिन निकालने के लिए और कुछ पूछना पड़ेगा। तो हमने फिर आगे पूछा कि अच्छा भाई, ये बताइए कि परेशानी में क्या करती हो। तो उसने बताया कि मैं जल्दी से बैठती नहीं हूँ और लेटना हमको पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो इतने इतनी बात पे फिर लेक्सिस और हायोसाइमस में डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो हमने उसको फिर जो है लेक्सिस दवा 30 पावर में दो खुराक दी। दो खुराक देने के बाद और एक हफ्ते की जो है प्लेसिबो हमने दे दी। तो दो खुराक खाने के बाद फिर तीसरे दिन अपने बच्चों की दवा लेने आई, तो बताने लगी कि जब से डॉक्टर साहब दो खुराक खाए हैं, तब से हमको काफ़ी आराम मिला है, और अब हमको जो सांस में काफ़ी परेशानी थी और गले में थ्रोट पेन था, जो चेस्ट में पेन थी, और फीवर काफ़ी सही हो गया है। तो इस तरीके से 2-3 दिन में उसको काफ़ी जो है आराम मिला है। उसके बाद फिर 3 दिन बाद और यानी एक हफ्ते की प्लेसिबो दी गई थी। तो एक हफ्ते पे फिर आई तो उसने बताया कि काफ़ी हमको आराम है, हमारी 75% परेशानी ठीक हो गई है। तो एक हफ्ते की प्लेसिबो और दे दी गई है, और एक हफ्ते की प्लेसिबो और खाने के बाद फिर वो बिल्कुल से सही हो गई है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम थी बिल्कुल से सही हो गई है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा एक्यूट केस था जिसमें बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले हैं, और इस तरीके से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो हमको देखना है कि जो पेशेंट आके अपने से बोल दे रहा है, मोस्टली उसी बातों में, उसी शब्दों में हमको रूब्रिक्स बनाना है, और उसी टोन को समझना है कि जिस टोन में पेशेंट आके हमको अपनी परेशानी बोल रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है। तो हमने इसमें डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज और रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन, बल्कि इसी दो मेडिसिन से लेक्सिस और हायोसाइमस दो मेडिसिन आ जाती है। और इसमें दो रूब्रिक्स और भी हम बना सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और डिस्पियर ऑफ रिकवरी, क्योंकि वो कहती है कि इसलिए वो दवा हमको नहीं लेनी है क्योंकि वो दवा मेरी परेशानी और बढ़ा दी है और लगता है कि अब ठीक नहीं होगा, तो ये डिस्पियर ऑफ रिकवरी।
यानी इन चार रूब्रिक्स में लेक्सिस और हार्साइमस दो मेडिसिन आ गई है। फिर आगे लेक्सिस और हार्साइमस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने पूछा कि आगे क्या परेशानी में क्या करती हो, तो उसने बताया कि मैं जल्दी से बैठती नहीं हूँ और लेटना तो हमको पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो लेक्सिस वाला पेशेंट बेड एवर्जन होता है, बेड एवर्जन टू मतलब वो लेटना पसंद नहीं है उसको, कुछ ना कुछ करता रहेगा, बच्चा है तो वो खेलता रहेगा, लेडीज़ है तो वो अपने काम में कुछ ना कुछ करती रहेगी। और सिटिंग एवर्जन टू, ये दो लेक्सिस में होते हैं, हार्साइमस में नहीं होते हैं, बल्कि हार्साइमस का पेशेंट तो बेड डिजायर टू रिमेन इन, यानी उसकी इच्छा होती है कि आराम से वो पड़ा रहे, बेड में चुपचाप लेटा रहे, उसकी ये इच्छा होती है। जबकि लेक्सिस में ऐसा नहीं होता है, लेक्सिस में होता है कि वो लेटना ही नहीं चाहता है, बेड से वर्जन होता है, बैठने से भी वर्जन होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। तो इस तरीके से लेक्सिस 30 की दो खुराक से ये एक्यूट प्रॉब्लम 3 दिन में काफ़ी सही हो गई थी, बल्कि 1 हफ्ते में भी सही हो गई थी, और उसको 1 हफ्ते की और दवा दे दी गई थी तो 15 दिन खाने के बाद उसको बिल्कुल से सही हो गई थी। तो दोस्तों देखते हैं कि ये जो केस है, इस तरीके केस बहुत से मेरे पास आते रहते हैं, और भी होम्योपैथिक फिजिशियन के बाद इस तरीके से केस आते रहते हैं, क्योंकि एक्यूट केस में पेशेंट पहले तो तुरंत आराम चाहता है, पहले वो तुरंत आराम के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भागता है, एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाता है, सोचता है कि वहाँ पर जाने पर हमारी परेशानी जल्दी ठीक हो जाएगी, और वहाँ जा करके एलोपैथिक दवाई या जो भी हार्ड दवाई फिजिशियन या डॉक्टर देते हैं तो उसको खाने के बाद अक्सर और परेशानी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर सांस की परेशानी है तो सांस की परेशानी भी बढ़ जाती है, मोस्टली जुखाम वगैरह रहता है तो उसमें और जाम हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है, खांसी की परेशानी आ जाती है, सीना जकड़ जाता है, जाम हो जाता है। तो इस तरीके से परेशानी हो के फिर अगर कोई आके मेरे पास इस तरीके से वर्जन बोलता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से रूब्रिक्स ले करके और ये मेडिसिन दे सकते हैं। कभी कभी इसमें हार्साइमस मेडिसिन आ जाती है, तो अगर पेशेंट लेटना चाहता है, पेशेंट आराम करना चाहता है, उसकी इच्छा रहती है कि अगर वो कहे कि हम ऐसा मन करता बिल्कुल लेटे ही रहूँ, तो वहाँ पर हार्साइमस मेडिसिन आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों मेडिसिन में डिफ्रेंशिएशन करके एक मेडिसिन दे देने पे कितनी ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। इस तरीके से वो बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भागते हैं और वहाँ पे परेशानी और बढ़ जाने पे या और जगड़ जाने पे फिर अगर मेरे पास आके इस तरीके से वर्जन बोलते हैं तो हम यहाँ पर ये दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इस तरीके के रूब्रिक्स में जैसे बहुत से बच्चे भी होते हैं, मान लो अगर वो आप ही के पास से एक बार दवा लेके गए और दोबारा उनको आराम नहीं मिला और उनको परेशानी अगर कुछ बड़ी हुई समझ में आ रही है तो वो भी ये भी कह सकते हैं कि अब हमको दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर साहब की दवा ने तो परेशानी और बढ़ा दी है। अगर इतनी बात वो बोल रहे हैं तो इतनी बात में भी जो है रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन और डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है, ये दो रूब्रिक्स आ जाती है। अगर वो बच्चा ज़्यादा खेलना चाहता है, हरदम खेलने में मन लगा रहता है उसका, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, खेलने खेलना चाहता है, बाहर निकलने का घूमने का मन करता है उसका, तो वहाँ पे हम जो है उसको भी लेक्सिस इस तरीके के केस में लेक्सिस उसको दे सकते हैं और देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये एक्यूट केस, इस तरीके के बहुत से मेरे पास जो है आते रहते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज बस यही तक, और इस मेरे वीडियो से अगर कुछ आपको भी रिजल्ट मिल रहा है, आप भी इससे सीख रहे हैं, इससे रिजल्ट ले रहे हैं, तो हमको कमेंट करके बताएं, थैंक यू। और तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करें और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे और डॉक्टर को भी इस माइंड टेक्निक का जानकारी हो सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।